जेके लोन अस्पताल में सोमवार को अस्पताल के ठेका कर्मचारी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अचानक हड़ताल शुरू कर दी। करीब दो घंटे हड़ताल पर रहे, जिससे कि व्यवस्थाएं प्रभावित हुई। न पर्ची काउंटर समय पर खुले, न कैश काउंटर पर रसीदें कटी। वार्ड बॉय भी हड़ताल में शामिल होने से न ट्रॉली चलाने वाले बचे, न भीड़ नियंत्रित करने वाले। सुबह जैसे ही ठेका कर्मचारियों के नेताओं ने हड़ताल का ऐलान किया तो सभी कर्मचारी ड्यूटी छोड़कर एकत्रित हो गए और मांगों को लेकर नारे लगाए, अस्पताल अधीक्षक के कक्ष का घेराव किया। कुछ ही देर में अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लग गई, कई मरीजों को बिना इलाज लौटना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारी आज वीसी की वजह से वो आ नहीं पाए थे, उन्होंने कहा वीसी में है, हम तुरंत रवाना हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में है, हो सकता है कि आधा पौन घंटा वहाँ से यहाँ पर आने में लगते हैं, इसलिए हम मैं इंतजार कर रहा हूँ और इनका समाधान जब तक नहीं होगा यहाँ से जाऊँगा नहीं। ये लोग जो है अपने बकाया वेतन के लिए हड़ताल कर रहे हैं, जबकि हमने ठेकेदार को समयदार को कह दिया कि भाई इनका पेमेंट भुगतान कर दे, उसको भुगतान करना भी होता है समय से पूर्व, और वो अपना काफ़ी भुगतान बता रहा है समयदार, जबकि हमारे पास केवल 6.5-6 लाख रुपये के बिल बकाया हैं उसके, और वो भी केवल बजट के अभाव में है। उसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि हम दूसरे मद से उसका भुगतान कर दें और उसका जो है इनको भुगतान कर दिया जाए। तो हमारे स्तर पर हमारे पास केवल 6.5-6 लाख रुपये के बिल बकाया हैं, जो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सब इस संबंध में अभी समय तक को बुलाया, उनके आते ही उनसे बात करके और इनके शीघ्र भुगतान की व्यवस्था का समय की गाइडलाइन के अनुसार 7 तारीख को भुगतान करना, 7 तारीख भुगतान करने की गाइडलाइन है, उसका उल्लंघन समय तक द्वारा बार बार किया जाता है। आज भी अक्टूबर माह का भुगतान 7 दिन होने के पश्चात भी 7 तारीख की गाइडलाइन में नियम है, उसके बाद 7 दिन ऊपर हो चुके हैं, 14 तारीख होने के पश्चात भी आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। ईएसआई का मुद्दा, पीएफ का मुद्दा, इस संबंध में आज हमने अधीक्षक साहब को 11 तारीख को ज्ञापन दिया था, 3 दिन होने के पश्चात भी न अधीक्षक के कानों में, न प्रशासन के कानों में, न समय के कानों में कोई जुड़ेंगी, न आगे कर्मचारी कोई सुध ली। इस कारण कर्मचारियों का 2 घंटे का बहिष्कार करना पड़ा है। आज हमने ऐसा का घेराव किया है, पूरे MBS पूरे जेकलोन चिकित्सालय के अंदर हमने आज घूम कर एक रैली निकाली है। कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेकलोन में आए दिन होने वाली हड़ताल से मरीज और तीमारदार परेशान हो रहे हैं। आज भी निविदा कर्मचारियों ने करीब 2 घंटे तक हड़ताल रखी, जिसके कारण कोटा संभाग से आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। घंटों तक महिलाएं छोटे बच्चों को लेकर लाइन में लगी रही। उनका कहना है कि सुबह से घर से निकले हैं, घर का पूरा कामकाज छोड़ के यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ भी घंटों लाइन में लगकर इंतज़ार करना पड़ रहा है। STN न्यूज़ के लिए पंकज पारी की रिपोर्ट।